नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे समुद्री लुटेरों के बारे में। आपने देखा होगा, अधिकतर समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख पर पट्टी बांध कर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख पर पट्टी क्यों बांधते हैं? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख पर पट्टी इसलिए बांधते हैं, शायद लड़ाई में उनकी एक आंख फूट गई होगी। ज्यादातर फिल्में जैसा कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी आप इसे देख चुके होंगे। समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख को इसलिए ढकते हैं जिससे वो अंधेरे में भी लड़ाई कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आंख को ढकना और लड़ाई करना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो बता दें कि इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। समुद्री लुटेरों का काम जहाजों पर हमला करके उनको लूटना होता है, इसलिए उन्हें जहाजों के डेक पर जाना पड़ता है जो कि जहाजों का निचला हिस्सा होता है। समुद्री जहाजों का डेक यानी निचला हिस्सा, वहाँ बहुत अंधेरा होता है, इसलिए अंधेरे में देख पाने के लिए वो अपनी एक आंख को ढक कर रखते हैं, जिससे अंधेरे में जाने पर वह उस पट्टी को हटाकर तुरंत देख सके। जब कोई व्यक्ति अचानक उजाले से अंधेरे कमरे में जाता है तो आंखों की पुतलियों को फैलने में 30 से 35 मिनट का समय लगता है और इंसान 30 से 35 मिनट बाद ही अंधेरे के वातावरण में ढंग से देख पाएगा। तो इसलिए समुद्री डाकू अपनी एक आंख को ढक कर रखते थे क्योंकि उन्हें जहाजों के डेक में अंधेरे में लूटपाट करना होता था। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि समुद्री डाकू अपनी एक आंख को क्यों ढक कर रखते थे। ऐसी ही शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।